मुख्य आर्ची नागरिक पुलिस के उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नत प्राप्त पुलिस कर्मियों के लिए 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन परिसर में किया गया। कार्यशाला के पहले दिन 2 पालियों में 127 उप निरीक्षकों को पास्को एक्ट सहित विवेचना संबंधित विधिक व तकनीकी सहित अन्य व्यवहारिक जानकारियां दी गई। इस मौके पर SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी BD मिश्रा, रिटायर्ड DSP शरद चंद्र पांडे, प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे, मॉनिटरिंग सेल के हरि सिंह यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मुख्य आर्ची नागरिक पुलिस से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्राप्त पुलिसकर्मियों के लिए 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन परिसर में किया गया। कार्यशाला के पहले दिन 2 पालियों में 127 उप निरीक्षकों को पास्को एक्ट सहित विवेचना संबंधित विधिक व तकनीकी सहित अन्य व्यवहारिक जानकारियां दी गई। इस मौके पर SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी BD मिश्रा, रिटायर्ड DSP शरद चंद्र पांडे, प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे, मॉनिटरिंग सेल के हरि सिंह यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया, इस पर मेरे द्वारा आज दिनांक फलाका उनके घर पर ये बयान अंकित किया। का बयान वीडियो में करें, वीडियो कैमरे में दर्ज ऑन रिकॉर्ड हो, क्योंकि जाती है कि जो मैंने कहा वो बयान पुलिस ने नहीं लिखा, ये तथ्य छिपा ले गया। जबकि तो अगर यथासंभव आप रिकॉर्डिंग करेंगे उस बयान का, तो इन परिस्थितियों से भी आप बचे रहेंगे। कि प्रेस का कोई आदमी आपके समक्ष आ गया कि साहब आपके यहाँ तो गैंगरेप हो गया है, किसके साथ हुआ, तो आप उसके नाम और पता को किसी पेपर में, किसी मीडिया में, किसी सार्वजनिक स्थान पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये हैं कोर्ट के डायरेक्शंस कि 354 हो, 376 हो, 377 हो, जो भी लैंगिक अपराध के मामले हैं उसमें 164 का बयान कराए जाना मैंडेटरी है, आवश्यक है, वो आपके विवेक पर नहीं है। फिर के बाद उसको मैंडेटरी कर दिया गया, कानूनी रूप से बाध्यता दे दी गई कि आपको कराना ही कराना है 164 का बयान। अगली चीज, उस 164 का जो बयान आप कराते हैं, इस संबंध में यद्यपि CRPC में कहीं ये प्रावधान नहीं है, ना कोई संशोधन है कि पीड़िता को सुपुर्दगी में देने के लिए आप न्यायालय के समक्ष न्यायालय का आदेश लेंगे, एप्लीकेशन लेंगे, ऐसा कहीं नहीं। लेकिन एक आनर किलिंग के मामले में सन 2010 में बिहार का एक मामला था, जगत पत्ता देवी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसमें आनर किलिंग हो गई थी। तो उसमें आनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई भी अगर पीड़िता है तो उसकी विधिक सुपुर्दगी दी जानी चाहिए, जिससे जिसकी सुपुर्दगी में दी जाए तो अगर उसके साथ कोई अनहैपनेस होता है, मृत्यु स्वीकारित होती है अननेचुरल तरीके से, तो दायित्व का निर्धारण किया जा सके। जब यह आपकी सुपुर्दगी में दी गई थी और इसकी अननेचुरल डेथ हो गई है, पोस्टमार्टम में जो काज बाई डेथ आ रहा है वो अननेचुरल आ रहा है, तो ये आपका दायित्व है, आपकी लाइबिलिटी है, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये अगला चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी पीड़िता के सुपुर्दगी के मामले में स्वयं का निर्णय ना लें। हमारा तात्पर्य चार्जशीट FR वो भी आप लगाते हैं, वो दाखिल हो जाना चाहिए। तो ये विवेचना में लैंगिक अपराध के मामले में अगर आप अनावश्यक रूप से उसको डिले कर रहे हैं, उसको लंबित रख रहे हैं, तो ये मान के चलें कि आधिकारिक तौर पर आपके विभागीय अधिकारी भी आपका दायित्व का निर्धारण करेंगे, जिम्मेदारियों का, उसके लिए आपको विभागीय कार्रवाई करेंगे और साथ में कोर्ट भी नोटिस जारी करके आपका स्पष्टीकरण लेगी और आपके विरुद्ध जारी करेगी निर्देश आपके वरिष्ठ अधिकारी को कार्रवाई की, क्योंकि इस पर बहुत सख्ती के साथ कोर्ट का अपना निर्देश है जिसका परिपालन हमें सुनिश्चित करना है। क्योंकि न समझ पा रही है, न सुन पा रही है, तो ये उसमें स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि आप एक्सपर्ट की ले, जो मूक बधिर विद्यालय होता है उस मूक बधिर विद्यालय के जो एक्सपर्ट होते हैं उस एक्सपर्ट के माध्यम से आप उनके बयान का वो दर्ज करें। प्रक्रिया क्या होगी, आप अपने SSP साहब के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखेंगे
कि प्राचार्य मूक बधिर विद्यालय को निर्देशित करें कि एक एक्सपर्ट जो मूक बधिर के इशारे को भाषा को समझ सके उसे उत्तर देने का कष्ट करें। उक्त मामले में इस तरह की स्थिति उनका बयान दर्ज करें तो उस एक्सपर्ट के देख रेख में उसका 164 का बयान आप दर्ज करेंगे और उसके बाद उस एक्सपर्ट का भी बयान दर्ज करेंगे इस बात का कि मुझे इस मामले में इस तरीके से फला के निर्देश पर बुलाया गया और आज मेरे समक्ष फला की पुत्री फला निवासी का बयान इसके द्वारा बताए गए हाव भाव इशारों के माध्यम से दर्ज किया गया। क्योंकि उसको डिफाइन वही करेगा ना, अगर लड़की कुछ बोलती है इशारे से या कुछ कहती है तो वो जो मूक बधिर एक्सपर्ट है वो बताएगा कि सभी क्या कहना चाह रही है क्या बता रही है, ठीक है। और वो वही सेम प्रक्रिया 164 में भी होगी क्योंकि दो तीन मामलों को हमने यहाँ करवाया, तीन चार मामले को गैर जानकारी में दो तीन लोगों ने उसमें गलत तरीके से बेसना कर दी, तो जहाँ लड़की मूक बधिर है वहाँ पर यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी लैंगिक अपराध के मामले में। और जो संबंधित अभियुक्त है उसका ब्लड या स्पर्म लेंगे और वो उसका CSO। अब आप किताब देखेंगे उसमें 2013 लिखा रहेगा, 2013 मिलता है 2012 मिलता है 13, क्योंकि दिसंबर 12 घटना है तो तुरंत बहुत जल्दी भी कानून बनाया गया, अच्छा कानून बनाया गया। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑपरेशन ऑपरेशन समझ में आया, बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाने का जो नियम कानून बनाया गया, प्रिवेंशन माने बचाना, सेक्सुअल ऑपरेशन लैंगिक शोषण ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है OPRESSION शोषण। तो बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाने के लिए जो अधिनियम बनाया गया कानून बनाया गया यही है। हमारे ज़िले में गोरखपुर ज़िले में 127 जो हमारे हेड SCP पुलिसकर्मी रहे हैं उनका प्रमोशन 31 अगस्त को हुआ। प्रमोशन होने के बाद सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, सब इंस्पेक्टर बनने के बाद इनकी जिम्मेदारियां इनके दायित्व और बढ़ गए हैं, तो अब ये अच्छी खासी विवेचना करने के लिए अधिकृत हो गए हैं। गंभीर धाराओं में भी 307 वगैरह जो 302 की विवेचना तो नहीं, लेकिन अगर इनको थाने की चार्ज मिलता 302 की विवेचना भी करेंगे तो इनको बहुत ढेर सारे व्यवहारिक जानकारियाँ कि किस तरह से जो विवेचना करेंगे इसमें गुणवत्ता ला सकें, गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से जो तकनीकी बातें हैं वो सब सभी बातें बताने के लिए आज ये 7 दिवस का ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज इसका प्रथम दिवस है, 6 दिन और चलेंगे कार्यशाला का आयोजन होगा। 127 जो जैसा मैंने बताया तो इसमें मेरे साथ साथ ये ज़िले के SP महोदय भी हैं और हमारे रिटायर्ड DSP महोदय श्री सचिन पांडे साहब भी आए हुए हैं, अपने 2010 में आप रिटायर हुए हैं तो बहुत ढेर सारा व्यवहारिक जानकारियां आपके पास हैं, बहुत ढेर सारा जो गुणवत्ता से संबंधित बातें हैं। तो आज हम लोग 4 घंटे से बैठे हुए हैं, एक प्रथम शिफ्ट जा चुका है और फिर दूसरा शिफ्ट अभी समाप्त हुआ है, 10 से लेकर 2 तक आज हुआ, लेकिन कल एक साथ दोनों शिफ्टों को आयोजन करेंगे तो अधिक से अधिक व्यवहारिक जानकारियां देंगे जो गुणवत्ता से जो लेटेस्ट है। बहुत ढेर सारे अधिनियम होते हैं, कानून होते हैं, नियम बनाए जाते हैं और नीचे जो हमारे अधीनस्थ रहते हैं उनको जानकारी समझ हो नहीं पाती है, पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, वो चीज़ें किताबों में रहती हैं, लेकिन व्यवहारिक जो जानकारी हम लोग दे पाएंगे तो सरलता से वो सब चीज़ें इनके पास तक पहुँचेंगे, इसी उद्देश्य से ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है।